Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा फ्रेंड्स, हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो अपने यूट्यूब के ऊपर टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई या टॉप 50 सब्सक्राइबर्स, मैंने भी टॉप 50 का चलाया था, तो हम किस तरीके से इस तरह से लाइव आ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसके अंदर एक इमेज बनानी है और उस इमेज को यहाँ पे ऐड करना है। तो फ्रेंड्स ये आपने यहाँ पे देखा कि ये मैंने एक टी वर्सेस प्यूडीपाई की इमेज बना रखी है और अब हम यहाँ पे इस इमेज को इस तरीके से ऐड कर देंगे। प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके, इमेज पे क्लिक करके हम यहाँ पे इमेज एड कर देंगे। और इसी तरीके से अगर आप टॉप 50 सब्सक्राइबर से टॉप 100 सब्सक्राइबर्स की लाइव सब काउंट की लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप उसकी भी एक इमेज बना लीजिए। बस इमेज के अंदर सब्सक्राइबर काउंट मत लिखिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें प्लस के ऊपर क्लिक करके ब्राउजर के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक वेबसाइट है फ्रेंड्स, जिसका नाम है अक्षत मित्तल। तो फ्रेंड्स हम उस वेबसाइट को यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्योंकि यह वेबसाइट हमें प्यूडीफाई वर्सेस टी सीरीज के लाइव सब्सक्राइबर काउंट दिखाती है, वो भी इनके सब गैप के साथ। तो फ्रेंड्स हम इस वेबसाइट को यहाँ से सबसे पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसकी विड्थ और हाइट को यहाँ पे हमें सेट करना है। तो इसको सेट करने में फ्रेंड्स थोड़ा बहुत हमें टाइम लगता है क्योंकि हमें इसे स्क्रीन के अकॉर्डिंग एकदम सेट करना होता है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसके ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे चेंज करूँगा। सबसे पहले हम ऊपर का हिस्सा कट कर लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे इसे बॉटम से कट कर लेता हूँ। अब बॉटम से कट करने के बाद फ्रेंड्स ये यहाँ पे इसका पूरा बढ़िया सा कट फिट करके हम इसको इस तरीके से सेट कर देंगे और अब जैसे बड़ा करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम परफेक्टली सेट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वापस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ब्राउजर पर क्लिक करेंगे कि फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे बीच में जो सब गैप है वो भी चलाना है कि दोनों के बीच में कितना सब्सक्राइबर्स का गैप चल रहा है और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा खुद का सब्सक्राइबर है कि हमारे कितने सब्सक्राइबर है तो हम वहाँ पे इसमें ये भी ऐड करेंगे और एक स्क्रॉल डाउन के टेक्स्ट है यानी कि सॉरी स्क्रॉल डाउन ओनली स्क्रॉल के तो वो टेक्स्ट हम यहाँ पे किस तरीके से ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चलते रहे तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ पे टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई को सेट कर लेंगे इसका लिंक ऐड करके। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे इनके सब्सक्राइबर गैप का लिंक ऐड करेंगे। अब सबसे पहले मैं उसमें इसमें आपको स्कूल वाले टेक्स्ट ऐड करके बता देता हूँ। अब सबसे पहले मैं प्लस के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो भी टेक्स्ट ऐड करना है हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मुझे यहाँ पे करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मैंने यह टाइप कर लिए तीन वर्ड और टाइप करने के बाद अब मैं इनको इनकी जगह पर सेट कर दूंगा। मैंने इनको इनकी जगह पर सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इनका कलर सेट करना है। हम कलर सेट के लिए इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कलर के ऊपर क्लिक करके इनका कलर सिलेक्ट कर लिए। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का सिलेक्ट कर लिया। आप जो चाहे वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स अब ये तो हमारे टेक्स्ट ओनली यहाँ पे नॉर्मली दिखेगा जैसे इमेज के अंदर हमारे दिख रहे हैं, बट हमें इसे स्क्रॉल करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फिल्टर फॉर टेक्स्ट की पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। आपको वहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्क्रॉल पे जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम फिल्टर नेम को बाई डिफॉल्ट रहने देंगे और अब हम यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वही स्पीड हम यहाँ पे जैसे मैंने 50 कर दिया। 50 करने पे आप फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चलने लगे स्लोन होने लग गया। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर देंगे। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे स्क्रॉल वाले टेक्स्ट भी चलने लगे। टेक्स्ट हैं जो ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे, ये जब तक हमारी स्ट्रीम चलते रहेगी जब तक चलते रहेंगे, इनका पॉज और उसका कुछ काम नहीं है। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सोशल ब्लेड को ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स आप भी यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर क्योंकि आप जब भी किसी भी सब्सक्राइबर अकाउंट को ओपन करते हैं सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमारे दिमाग में सोशल ब्लेड ही आता है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे चैनल का सब्सक्राइबर अकाउंट को ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे मेरे चैनल को ओपन किया। अब मैं यहाँ पे लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइव आ गया। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे हमारे चैनल के जो लाइव सब्सक्राइबर है उसका यहाँ पे लिंक कॉपी कर लेंगे। हम सोशल ब्लेड का लिंक कॉपी करने के बाद अब हमें यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ के सामने मैं इसे ऐड कर दूंगा। वैसे ही अब हम यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे जो URL है इसे यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे हम इस URL को भी मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी आधा कटा हुआ आ रहा है, हमारे सामने पूरा नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे इसकी जो विड्थ है हम यहाँ पे इसे चेंज कर देंगे। अभी इसकी 800 है तो मैं यहाँ पे इसे 950 ऐसे से हम यहाँ पे फ्रेंड्स इसको चेंज कर करके देख लेंगे कि हमारे स्क्रीन के अंदर एकदम फिट आ जाए। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अभी मेरा सब्सक्राइबर काउंट एकदम यहाँ पे
लाइव शो हो रहे हैं वो भी बिना कटे फटे। अब हम यहाँ से साइड से राइट से इसके जो राइट साइड से लेफ्ट साइड से और टॉप से और बॉटम से यहाँ पे इसको एडिट कर देंगे। अब जैसे ये मैंने इसे लेफ्ट से एडिट किया, अब यहाँ पे राइट से एडिट करता हूँ कि किस तरीके से ऐसे सेट हो गया है एकदम परफेक्टली मेरे सब्सक्राइबर्स को ही दिखा है। तो अब मैं यहाँ पे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरा सेट हो गया, यानी कि मैं यहाँ पे इसे सेट 620 पे हो गया। अब हम यहाँ पे इसका इसी तरीके से टॉप को भी एडिट कर देंगे, यानी कि कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ से इसके टॉप को भी कट कर दिया और यहाँ पे इसके जो बॉटम है उसे भी हम यहाँ पे कट कर देंगे। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया साइट की यह खास बात है कि हमारे जो सब्सक्राइबर काउंट है उसके पीछे ये अपना खुद का चला के अपना खुद का इसने एक वॉटरमार्क लगा रखा है साइट के अंदर। जैसे कि अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड कलर है और ये जो कलर है यहाँ पे बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा। प्लस अगर व्हाइट कलर होता मेरे, मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर करके रखा होता तो यहाँ पे इसका वॉटरमार्क दिखता। तो हम उसको हटाने के लिए इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके कलर की के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फिल्टर नेम बाय डिफॉल्ट रहने देंगे और यहाँ पे ग्रीन की जगह हम यहाँ पे कस्टम कलर पे क्लिक करके सिलेक्ट कलर और यहाँ पे पिक कलर। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर हमारे कर्सर को ले जाके क्लिक कर देंगे। अब ये हमारी स्क्रीन से ये है इस वेबसाइट का कलर उठा दिया। अब इस वेबसाइट का कलर उठाने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसे ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली एकदम जो भी वॉटरमार्क थे सब कुछ हट गए और ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। फ्रेंड्स, हम इस तरीके से हमारे एक बढ़िया सा टी स्ट्रीट वर्सेस प्यूडीफाई वाले लाइव सब्सक्राइबर काउंटेड टॉप 50 जो हम बनाना चाहते हैं इस तरीके से बना सकते हैं।